हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुमन गुप्ता, न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से। बच्चों, आप हिंदी में फुलवारी का पार्ट 9 पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है ए की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा के शब्द। ओके, तो दिस सबसे पहले ये हम देखेंगे ये क्या लिखा है ए, और ए की मात्रा कैसे लगाते हैं दिस। ये क्या है ए की मात्रा? वे व्यंजन के ऊपर लगती है। कहाँ लगती है? ऊपर लगती है। और इसको बोलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा जल्दी बोलते हैं, कम समय में बोलना है। जैसे स, श के ऊपर ए की मात्रा, शेर, क्या है पिक्चर क्या बनी हुई है? शेर। तो हम पढ़ेंगे श, शापों की मात्रा शेर। इसी तरह से ये पिक्चर बनी हुई है। क्या पढ़ना हुआ है? पेड़। क्या बना हुआ है? पेड़। तो पा, पापे छोटे की मात्रा पेड़। इस तरह से नेक्स्ट ये क्या बना हुआ है? केला। क्या बना हुआ है? केला। तो कापे ए की मात्रा के ला, लाप्या की मात्रा ला, केला। क्या पढ़ेंगे इसको? केला। नेक्स्ट ये क्या बना हुआ है पिक्चर? सेब। क्या बना हुआ है? सेब। तो सापे ए की मात्रा सेब। इसी तरह से हम आप ए की मात्रा के और शब्दों को भी पढ़ेंगे, है ना। जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, आपने अभी तक आ आ ई ओ उ और री की मात्रा तक आप पढ़ चुके, तो इसी तरह से हम शब्दों को जोड़ जोड़ के मात्रा को लगाकर रीड करेंगे। ओके, और मेरे साथ आप बोलेंगे चा, चापे की मात्रा चे, हे, रा, रापया की मात्रा, ये किसकी मात्रा है? आ की। इसी से ना, नापे की मात्रा ने, ब, ला, ने, ब्ला। स, वापे की मात्रा वे, रा, सबेरा। ज, ला, लापे की मात्रा ले, बापे की मात्रा, ये किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। तो जले बी। क्या पढ़ेंगे इसको? जले बी। फिर चापे की मात्रा जे ल, मापे की मात्रा मे ला, ये किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। ठीक है, था, थापे की मात्रा ठे ला, ठे ला। क, रापे की मात्रा रे ला, करेला। रा, रापे की मात्रा रे त, रेत। बा, बापे की मात्रा बे र, रापे की मात्रा रे ल, खापे की मात्रा खे ल। तो आपने देखा सब पे एक की मात्रा ऊपर पर ऊपर लगती है, व्यंजन के ऊपर लगती है। ओके, नेक्स्ट बोलो और लिखो। बोलो और लिखो, तो यहाँ पे भी वही मात्रा है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे। ये क्या लिखा है? ने ब ला, ने ब्ला। मे ला, रे ल, च ले बी। पार्ट नौ, दशहरे का मेला। दशहरे का मेला, दशहरा कब मनाया जाता है? जिस दिन हम रावण फूंकते हैं, है ना, सभी को पता है ना। तो आज हम है ना किसके बारे में पढ़ेंगे? दशहरे के मेले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स, सापे किसकी मात्रा? ये छोटे की मात्रा, अंदर की साइड में लगती है, सर। तो क्या बोलते हैं? सुधा, सुधा। और नितिन, दोनों में किसकी मात्रा है? छोटी की मात्रा, नितिन। मेला देखने गए, सुधा और नितिन मेला देखने गए। दशहरे, दशहरे का मेला था। मेला किसका था? दशहरे का। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। सुधा ने जलेबी खाई, सुधा ने जलेबी खाई। क्या खाई सुधा ने? जलेबी खाई। ना, नापे की मात्रा, देखो मात्रा समझ आ रही है, छोटी की मात्रा दोनों। नितिन ने, नितिन ने, यहाँ किसकी मात्रा है? ए की मात्रा। नितिन ने भी गरम गरम जलेबी खाई, नितिन ने भी गरम गरम जलेबी खाई। मज़ा आ गया, क्या आ गया? मज़ा आ गया। खाने के बाद कैसा लगा? अच्छा लगता है ना, तो उसे बोलते हैं मज़ा आ गया। सुधा ने कहा, सुधा ने कहा, अब जादू, ये कौन से ओ की मात्रा है? बड़े ओ की मात्रा। जादू का खेल देखें,
अब जादू का खेल देखें। नितिन ने कहा, नितिन ने कहा, चल चल, ये क्या लग गया है, कॉमा, मैंने आपको पहले भी बताया ना अल्पविराम। देर मत कर, देर मत कर। सुधा और नितिन ने जादू का खेल देखा, सुधा और नितिन ने जादू का खेल देखा। कापे छोटी मता, कितना बढ़िया था खेल, क्या बढ़िया था खेल, किसका खेल, जादू का। अब वे रेल पर चढ़ गए, अब वे रेल पर चढ़ गए। और ये दोनों पे छोटे की मात्रा है, ओके। रेल रेल छुप छुप करते हुए, रेल छुप छुप करते हुए चल रही थी। ये रेल चल रही है ना, रेल। वे रेल से उतरे, वे रेल से उतरे, फिर रेत पर जाकर, फिर रेत पर जाकर खेलने लगे, क्या करने लगे, रेत पर जाकर खेलने लगे। वे घर लौट आए, वे घर लौट आए, ओके। तो ये बड़ेओं की मात्रा है जो अभी आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। अब आपकी ये क्या है, एक्सरसाइज, ये आपको आपको कॉपी में करना है, ठीक है, क्या करना है, फेयर कॉपी में आपको करना है। पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर करेंगे। प्रश्न नंबर वन, एक ही मात्रा वाले वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए, एक ही मात्रा वाले वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। अब जैसे हमने पहले शब्द बनाए थे मात्रा लगाकर, इसी तरह से आपको इसमें भी मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं, ठीक है। म मपे एक ही मात्रा, ये किसकी मात्रा है, एक ही मात्रा, ओके। और मैंने आपको पहले बताया था एक ही मात्रा किस तरह से रखती है, इस तरह से रखती है, माप एक ही मात्रा। मे ला, लाप्या की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेला। र रपे की मात्रा, रे ला, सॉरी र रपे की मात्रा, रे ल, आ की मात्रा नहीं है इसलिए ला नहीं बोलेंगे, रे ल। ज ल लापे एक ही मात्रा, ज ले बी, बापे बड़ी की मात्रा है, तो क्या बना शब्द, जलेबी। म मापे की मात्रा, मे ज, क्या लिखा है, मेज, जिसपे आप लिखते है ना। फिर ख खापे की मात्रा, खेल, खेल तो खेलते ही आप, ठीक है। नेक्स्ट, चित्र देखकर नाम लिखो, चित्र देखकर नाम लिखो, ये किसका चित्र बना है, आपको सबको पता है, अभी हमने पढ़ा था मेज, क्या है ये, मेज। तो चित्र देखकर हमको यहाँ पे क्या लिखना है, नाम, मेज, मेज। फिर ये क्या है, पेड़ है ना, तो पाक पे की मात्रा, पेड़, पेड़, पेड़ का नाम लिखेंगे। फिर इस तरह से ये क्या बना है, केला, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, का कापे की मात्रा, केला। फिर ये क्या है, रेलगाड़ी, क्या है, रेलगाड़ी, अभी आपने पढ़ा था ना, तो रा रापे की मात्रा, रेल गाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है। तो आपको चित्र देख के नाम लिखना है। अब बताओ, अब बताओ, अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर, जैसे हम प्रश्न पूछते हैं और उसका हम क्या लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, आंसर, ठीक है। सुधा और नितिन, सुधा और नितिन क्या देखने गए, सुधा और नितिन क्या देखने गए थे, सबको पता है, सुधा और नितिन मेला देखने गए, अभी आपने पढ़ा था ना। कौन सा खेल, कौन सा खेल बढ़िया था, कौन सा खेल बढ़िया था, जादू का खेल बढ़िया था, जादू का खेल बढ़िया था। सुधा और नितिन, सुधा और नितिन किस पर चढ़े, किस पर चढ़े, सुधा और नितिन रेल पर चढ़े, किस पर चढ़े, रेल पर चढ़े, ओके। तो ये आपको अपनी फेयर कॉपी पे करना है और साफ राइटिंग में सुंदर सुंदर लिखना है। प्रश्न नंबर चार, समान शब्द पर गोला बनाओ, समान शब्द पर गोला बनाओ।
अब ये शब्द लिखा है करेला, करेला। अब यहाँ हम ढूंढेंगे कहाँ लिखा है करेला, ये लिखा है मेला, ये लिखा है केला, और ये क्या है करेला। तो इस पे हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, ओके, जो बना हुआ है आपको, ठीक है, ऐसा आपको कॉपी में भी करना है। इसी तरह नेक्स्ट है जेल। अब जेल कहाँ लिखा है, जेब, जेल, रेल, तो जेल यहाँ लिखा है तो इस पे गोला लगाएंगे, ठीक है। ठेला, ठेला कहाँ लिखा है, ये चेला लिखा है, ये खेला लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ठेला, तो इस पे हम क्या करेंगे, गोला लगाएंगे। ऐसा शब्द ढूंढ के इधर इसके सामने उस पे आपको गोला लगाना है। फिर ये क्या लिखा है, भेड़, क्या लिखा है, भेड़। अब भेड़ कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है भेड़, आगे तो पेड़ और रेत लिखा है, तो हम भेड़ पे गोला बनाएंगे, ओके। और इसके बाद आपको क्या करना है, क से लेके ज्ञाता एक की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ, तो आपको हर व्यंजन पर मात्रा लगाकर बनाना है, शब्द बनाना है, ओके। और आपको फेयर कॉपी करना है ये सारा वर्क एक्सरसाइज। थैंक यू।